तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारी यूट्यूब चैनल पाठक ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का जो फ्रेंड्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS जो सब्जेक्ट है, उसमें एक हमारा टॉपिक आता है डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर कह रहा हूँ बच्चों, आजकल सब कोई जितने भी बच्चे मतलब पढ़ते हैं ना डाटाबेस, मतलब पढ़ते हैं आर्किटेक्चर, मतलब वो हमेशा यही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये डाटाबेस हमारा सेंट्रलाइज डाटा कैसे होता है, डाटाबेस जो हमारा सेंट्रलाइज कैसे होता है, सेंट्रलाइज मतलब डाटाबेस पे जो डाटा है वो शेयर्ड कैसे होता है। ज़्यादातर पढ़ते हैं डेफिनेशन में हम, है ना, डाटा इज शेयर्ड इन द डाटाबेस, तो ये कैसे होता है। तो आज हम जानते हैं कि डाटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर, डाटाबेस के अंदर जो डाटा होता है वो सेंटर मतलब वो शेयर्ड क्यों होता है और कैसे होता है। तो आइए इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ डाटाबेस हमारा कैसे सेंट्रलाइज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे दो यूज़र हैं, यूज़र ए और बी, ठीक है। ये हमने बाई डायरेक्शनल का वो साइन लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया है मैं आपको अभी ये बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, यूज़र ए ने हमारी यूज़र ए को हमें यूज़र ए जो है ना हमारा, वो एंट्री करवाना चाहता है हमारा डाटाबेस के अंदर, किसके थ्रू, DBMS के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यूज़र ए जो है वो डाटा को भेजेगा, डाटा को भेजा इसने डाटाबेस DBMS के थ्रू, डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो गया ये डाटा। अब यूज़र बी ने क्या बोला कि भाई, इसने क्वेरी और रिपोर्ट भेजी कि भाई जो डाटा यूज़र ए ने डाटा को वो करवाया ना, सेव करवाया है डाटाबेस के अंदर, एंट्री जो करवाई है डाटा की, उसी डाटा की मेरे को क्वेरी चाहिए और रिपोर्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्या क्वेरी भेजेगा, रिपोर्ट भेजा इसने, DBMS का काम पता ही है, रिट्रीव करता है डाटा को और स्टोर करवाता है डाटा को डाटाबेस के अंदर। तो ये रिपोर्ट आई यहाँ से क्वेरी, इसने डाटाबेस के अंदर से इस वाले, इसने जो डाटा एंट्री करवाई है इस डाटा को, इस डाटा की क्वायरी ली और इसको पहुंचा दिया कि मतलब यूज़र भी ये लो तुम्हारा डाटा की क्वायरी जो कि यूज़र ए ने करवाई है। तो फ्रेंड्स, सीधी बात पता चल रहा है, सेम डाटा, एक डाटा जो कि यूज़र ए ने एंट्री करवाया है और यूज़र बी ने सेम उसी डाटा को, जो कि यूज़र ए ने एंट्री करवाया है, सेम उसी डाटा की रिपोर्ट ली है। मतलब एक डाटा जो है हमारा दो बार यूज़ हो रहा है, मतलब एंट्री भी करवाई है और उसको रिट्रीव भी करा, मतलब एंटर करवाने के बाद उसको रिपोर्ट को रिट्रीव भी किया, वो दो बार यूज़ में आया है। तो फ्रेंड, इससे पता चलता है कि हमारा डाटा जो है वो हमारा शेयर्ड है और डाटाबेस हमारा तभी सेंट्रलाइज कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, DBMS में यहाँ पे मैंने बाई डायरेक्शनल साइन इससे लगाया क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर इसने डाटा एंट्री करवाई है तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये डाटा की रिपोर्ट भी ले सकता है। अगर ये एंट्री करवानी होती तो सिर्फ यही साइन लगाता मैं ऐसे से, है ना, लेकिन इस तरफ मैंने इससे लगाया है ताकि अगर इस यूज़र ए को डाटाबेस में से उसकी अगर क्वेरी लेनी हो तो वो दोबारा ले सके। और यूज़र बी में तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों लगाया बाय डायरेक्शनल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक रिपोर्ट इसको सेंड कर रहा है कि भाई मुझे वो वाला डाटा की क्वेरी ला के दो जो कि यूज़र ए ने स्टोर करवाया डाटाबेस के अंदर। तभी ये दो प्रोसेस में जा रहा है, एक यू भी आ रहा है और यू भी जा रहा है, तभी इसमें बाय डायरेक्शनल साइन यूज़ किया गया है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने DBMS के नीचे मिडल लेयर और इसके नीचे सिंगल डाटा बेस क्यों लिखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, देयर इज़ ओनली वन सिंगल डाटा बेस, सिंगल डाटा बेस है इसके अंदर, एक ही डाटा बेस है विच इज़ शेयर्ड इन बोथ एप्लीकेशन, मतलब जो कि दो यूज़र के द्वारा लिए जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और DBMS इज़ द मिडल लेयर, DBMS जो है मिडल लेयर है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द, फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन से हमारी, ठीक है, और ये हमारा डाटाबेस के बीच में जो है हमारा ये मिडल लेयर है, ये एज अ मिडल लेयर की तरह काम कर रहा है, जो कि इसके लिए भी कर रहा है और इसके बीच में कर रहा है, तभी इसे मिडल लेयर बोला गया है। फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ DBMS, यूज़र ए एंड यूज़र बी कैन एक्सेस द सेम डाटाबेस फ्रॉम द सिंगल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स देखिए, यूज़र यहाँ पे ये लिखा है मैंने विद द हेल्प ऑफ DBMS की हेल्प से यूज़र ए और यूज़र बी जो है ना, यूज़र ए और यूज़र बी जो है वो डाटा बेस में से डाटा को एसेस कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स यही आर्किटेक्चर बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और समझ भी आई होगी। फ्रेंड्स देखिए, इससे सिंपल आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।